क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई और पूजा में क्यों इसका इस्तेमाल होता है? देख रहे हैं आप वैदिक टीवी, राधे राधे, मेरा नाम है मेघा। हाथ जोड़कर सभी का स्वागत है। दोस्तों, नारियल का धार्मिक महत्व क्या है? इसका सवाल पौराणिक कथाओं, शास्त्र और धर्म ग्रंथों में छिपा है। कोई भी पूजा इसके बिना अधूरी है। किसी भी शुभ काम की शुरुआत नारियल रखकर या फिर नारियल तोड़कर होती है। गृह प्रवेश से लेकर नवरात्रि की पूजा हो, घर में कोई भी शुभ काम हो, हवन हो, नई गाड़ी लेनी हो, नया घर लेना हो, नया ऑफिस लेना हो, नई दुकान लेनी हो, किसी भी शुभ काम में नारियल जरूर होता है। लेकिन सवाल यही है, क्यों पूजा में नारियल का इस्तेमाल होता है? हिंदू धर्म में नारियल को पूजने की शुरुआत कैसे हुई? बात कर लेते हैं इसकी उत्पत्ति से। पौराणिक कथाओं के अनुसार विश्वामित्र ने नारियल तैयार किया था। कहते हैं, एक बार इंद्रदेव से विश्वामित्र इस तरह नाराज हुए कि उन्होंने दूसरे स्वर्ग लोक का निर्माण करने के बारे में सोचा। उस पर जब काम शुरू किया गया तो दूसरे लोक की सृष्टि का निर्माण करते हुए उन्होंने नारियल को मानव रूप मानकर तैयार किया। आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि नारियल में 3 गोल निशान दिखते हैं जो आपको 2 आंख और 1 नाक का आभास कराएंगे। नारियल का मुंह इंसानी रूप की तरह ही दिखता है। कुछ कथा कहानियों में नारियल को त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कहा जाता है। कहते हैं नारियल में इन तीनों ही देवताओं का वास होता है और नारियल के ये 3 छेद भगवान शिव की त्रिनेत्र भी हैं। पर पृथ्वी पर नारियल कैसे आया? देवी देवताओं जितना पवित्र ये फल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर लाए थे। जब पृथ्वी पर विष्णु भगवान अवतरित हुए, उनके साथ माता लक्ष्मी भी आई। माँ लक्ष्मी अपने साथ नारियल का पेड़ और कामधेनु गाय लेकर आई थी और इसी नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। लेकिन पूजा में इसका इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ? हिंदू धर्म में एक समय ऐसा था जब कई धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ में बलि दी जाती थी। उस समय मनुष्य और जानवरों की बलि एक समान बात होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ये परंपरा बदली। इस परंपरा को तोड़कर जानवर मनुष्य के स्थान पर नारियल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। उस समय के लोग ये मानते थे, अगर हम भगवान के चरणों में अपनी बलि देंगे तो हमारे काम सिद्ध होंगे। लेकिन फिर इंसान और जानवर की जगह नारियल फोड़ने की परंपरा शुरू हो गई। पूजा में नारियल फोड़ने का अर्थ होता है कि व्यक्ति ने स्वयं को अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर दिया और भगवान के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए ही तो पूजा में नारियल फोड़ा जाता है। तो आप भी अगर पूजा में नारियल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका इतिहास जानकर अब और भी इसका आदर किया जाएगा। कई जगहों पे तो नारियल को साक्षात भगवान भी माना जाता है। देख रहे थे आप वैदिक टीवी, राधे राधे।